कल नाइट में मोटर ब्लॉक्स काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो कल दिन में भी मोटर ब्लॉक्स और रात में भी, तो दोनों को तो पार्ट पार्ट दिया था। दिन वाला जो भी ब्लॉक्स था तो वो आ चुका है, और रात वाला इस ब्लॉक्स में जुड़ जाएगा। तो आई ऑल्सो यूज मोटर ब्लॉक्स एट नाइट, तो चलिए रात्रि में मोटर ब्लॉक्स थोड़ा बहुत कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, तथा अब देखते हैं कल कितने बजे यह ब्लॉक्स आ जाएगा। अब मैं अब एन एस को एंटर कर दूंगा। तो ये ट्रक गुजरा, तो नाइट व्यू रोड स्ट्रीट व्यू, तो अभी यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता हूँ, फिर राइट टर्न लेगा, लेकिन आगे जाकर के लेफ्ट टर्न मोड़ूंगा, क्योंकि मैं डेस्टिनेशन लेफ्ट की तरफ है, थोड़ा मोड़ा ट्रैफिक है। तो चलिए अभी हम मार्केट व्यू खत्म होने को है, मार्केट का स्ट्रीट व्यू एंड तो यहाँ पे एक एम्बुलेंस का साइन सुना गया था, तो उसे आगे जाने दिया। उसके बाद तो आज कैसा लगता है हाँ रात में, लेकिन घर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। आज काफ़ी ज़्यादा मोटर ब्लॉक्स हो गया है। तो अब लगभग 8:30 बजने को है, यानी 9 बजे का थोड़ी समय बाद, तो फिर यहाँ से निकलता हूँ तथा राइट नाइट में स्ट्रीट व्यू समस्तीपुर का कैसा दिखता है तो यह आप देख सकते हैं। तथा यह मोहनपुर तक जाऊँगा, उसके बाद आगे का जो ब्लॉक्स है वो कंटिन्यू करूँगा, और यह वीडियोज 8 मिनट के आसपास लगभग हो जाएगा। तो एक कारण था कि डी वाला ब्लॉक्स एक दिन पहले आ गया और यह एक दिन बाद आएगा, तो अब आगे बने रहें। और यहाँ पर बाइक को पार्क में लगा दिया, उसके बाद फिर यहाँ पर ट्रेंड का मॉल है, तो यहाँ पर शॉर्ट क्लिप लिया। हाँ, इसमें परचेज नहीं किया कोई भी खरीदारी, तो फिर यहाँ से अब थोड़े समय बाद निकलूँगा। हाँ, जो कि रवाना होगा तो लगभग 10 बजे के आसपास में जाऊँगा, तो आगे बने रहे बाइक रैली। अब गुलंबर के पास ट्रैफिक उतना नहीं है, दिन में खबर ज़्यादा है, बाकी नहीं है, तो 5 मिनट के अंदर में मतलब मैं जाऊँगा। और यहाँ पर लगता है पटेल फील्ड, बस स्टैंड यहीं पर से सारी जगह के लिए जो भी बस है तो वहाँ मिल जाती है। राइट साइड में बिग बॉस तब जाएंगे, और क्या बोलते हैं उसको, हाँ दो मॉल है जस्ट राइट साइड। आप थोड़े समय बाद एक बार डायरेक्टर घर पर मिलता हूँ, तो अब थोड़े समय बाद मिलता हूँ, क्योंकि अब नाइट है, तो हाँ उधर उतना डेकोर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हिल बिल्टी उतना परफेक्ट नहीं है और बरसात का दिन था, तो हाँ उसे विजिबिलिटी उतनी बढ़िया नहीं है। और यह रहा स्कूल, हाँ जो कि लाइट में इसका डेकोरेशन काफ़ी परफेक्ट है, तो यह दिखा देता हूँ। और इसके बाद नॉन स्टॉप फिर एक बार मिलते हैं घर पर। और ये रहा
और यहाँ पर एक्सप्रेस वे लेन जो बन रहा है तो उसका काम चल रहा है जोरों शोर से, तो शायद रात में ज़्यादा काम होता है। हाँ बस अब घर पहुँचने वाला हूँ तथा ये पोखर जो कि लेफ्ट साइड में है घर के गांव में बजने को है, तथा अभी एक दो दुकान को छोड़ कर बाकी सारे बंद है। तो घर पहुंच गया तथा आगे कल कंटिन्यू करता हूँ, तो कल का ब्लॉग कल कंटिन्यू करता हूँ। बारिश का मौसम परफेक्ट है, तो चलिए मिलते हैं थोड़े समय। एक दो तार के पेड़ में फल को छोड़ दिया गया है जिससे कि तार निकाला जाता है। थोड़ा बहुत हरे भरे पेड़ फल, तो जो भी थोड़ा बहुत मोटर ब्लॉक था तो वह हो चुका है। और वीडियोज काफ़ी लंबा ना किया क्योंकि 4-5 मिनट या 9-10 मिनट और ज़्यादा मतलब ज़्यादा टाइम का अगर वीडियोज बना देता हूँ तो वह मेरा वीडियोज तो वायरल होता नहीं है। हाँ 4-5 वीडियोज रह जाता है जिसकी वजह से हाँ उतने वीडियोज ज़्यादा मिनट का बनाने का इच्छा भी नहीं रहता है, तब पर भी हाँ अपना फुल फोकस रहता है कि हाँ जो भी मेरा वीडियोज है या कंटेंट है तो वह परफेक्ट हो जिससे कि आप लोगों को जो भी समय है वह व्यतीत ना हो। हाँ जो कि ब्लॉग्स होता है तो हाँ किसी का भी डेली लाइफ जो भी दिखता है तो हाँ जब तक उसमें इंटरेस्टिंग नहीं बातें रही या कुछ नया ना देखने को मिले तो उस पर विजिट ना करता है। मैं भी ऑब्वियसली नहीं विजिट करता हूँ, कुछ पर विजिट करता हूँ। तो फिर आशा करता हूँ कि यह वीडियो पसंद आई होगी, तो कभी भी नहीं कहता हूँ कि लाइक शेयर एंड कमेंटेड एंड सब्सक्राइब जो होता है हाँ जिसका है उसका भी प्रभाव 0.001% पड़ता है तो मैं भी, तो आप आगे बने रहें और इवनिंग में देखते हैं कि मोटर ब्लॉग्स होता है कि नहीं, तो कोशिश करूँगा अपना बेस्ट देने का। तथा फिर मिलते हैं थोड़े समय बाद।